हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है, क्या यही का पता दिया था? देखो तुम डरो मत, ऐसे सब जगहों में ही ऐसा काम होता है। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो वहां देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये गलत पता होगा। पता तो यही दिया था मुझे। एक मिनट, आप जितना बोला था उतना लेकर आयो? हाँ देख लीजिए। जरा तुम सब्र करो, आ जाएगी वो। लेकिन वो तो चली गई। खूब, जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। जो तुम चाहती हो वो मैं भी चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर ये रेस्टोरेंट थोड़ा महंगा नहीं लगता? फ्रेडरिक्स, आखिर बर्थडे किसका है? हा? मेरा। तो फिर? मगर सर एसीपी साहब भी आ रहे हैं। एसीपी साहब? अरे सर आपने उनको भी बुला लिया? फ्रेडरिक्स, एसीपी साहब तो हमें ट्रीट देते रहते हैं। आज जब तुमने खाना खिलाने का इरादा बना ही लिया है तो उन्हें भी बुला लिया, साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। हां फ्रेडरिक्स, आज तो तू गया, जाना था जापान, पहुंच गया चीन। क्यों भाई, आज तुम लोगों ने मुझे बाहर खाना खाने के लिए बुलाया, बात क्या है? अरे सर आज फ्रेडरिक्स 25 साल का हो गया है। क्या? अरे फ्रेडरिक्स 25 साल का? अबे फ्रेडरिक्स 20 साल पहले भी तुम 25 साल के ही थे ना, जब तुमने वो पार्टी दी थी। 20 साल पहले? हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फ्रेडरिक्स, भरी महफिल में जब राज खुलता है तो कैसे लगता है? सर दरअसल बात यह है कि बर्थडे तो बस एक बहाना था, फ्रेडरिक्स को भूख लगी थी तो हमने सोचा यहाँ खाना खा लेते हैं, इसलिए आपको ही बुला लिया। अरे तुम्हें खड़े क्यों है, चलो बैठते उधर। गुड इवनिंग सर। सर आप लोग कितने लोग हैं? सर बस सर यही हैं, चार लोग बस सर, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, पूरे पूरे टेबल खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन वहाँ टेबल खाली, हम लोग वहाँ बैठते। नहीं सर, वो 6 नंबर की टेबल रिजर्व्ड है। कितने भी जाने वाले हो? गेस्ट किसी भी वक्त आ सकते हैं, एनी टाइम नाउ। जब अभी तक कोई आया नहीं है तो हम बैठ जाए तो क्या बुराई है? हा? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर। सर प्लीज, वो लोग आते ही होंगे सर। वैसे सर ये फ्रेडरिक्स दिन ब दिन जवान होता है। हाँ जवान तो होते जा ही रहा है, लेकिन सच बात बताओ फ्रेडरिक्स, ये लो। हेलो सिल्वर वैली रेस्टोरेंट। हेलो, क्या आप एसीपी प्रद्युमन को फोन दे सकते हैं प्लीज? एसीपी प्रद्युमन, ये कौन है? जी वो टेबल नंबर 6 पर बैठे हुए हैं। व्हाट, टेबल नंबर 6? एसीपी प्रद्युमन। यस सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन? किसका? पता नहीं सर, कोई औरत। हेलो एसीपी प्रद्युमन, यहाँ। सर आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं कल इसी टेबल पर रात को 8 बजे खून होने वाला है। क्या, किसका खून होने वाला है? मैं आपको नाम तो नहीं बता सकती, एक मूंछों वाला आदमी जिसने गॉगल्स पहने होंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? दया, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि हम लोग यहाँ आने वाले? नहीं सर, पर बात क्या है? कल रात 8 बजे किसी का खून होने वाला है। क्या? हाँ किसका? पता नहीं, नाम तो नहीं बताया, लेकिन कोई मूछ वाला आदमी है जो गॉगल पहनता है उसका। सर ये फोन किसने किया था? पता नहीं, देखो कॉलर आईडी पे नंबर लिखो।
सर टेलीफोन एक्सचेंज से पता करता हूँ इस नंबर के बारे में। हाँ, रेस्टोरेंट में सब कुछ बड़ा अजीब हुआ। पहले वो मैनेजर हमें टेबल देने से इनकार कर रहा था, फिर उस औरत का फोन कि वहाँ खून होने वाला है। सर हम तो उस रेस्टोरेंट में ऐसे ही चले गए थे, फ्रेडरिक्स को भूख लगी थी और रेस्टोरेंट पास में ही था। पर सर उस औरत को पता कैसे चला कि हम उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं? वही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। चलो देखते हैं। अदर एनी प्रोग्रेस? सर वो कॉल जोगेश्वरी के एक पीसीओ से आया था सर, ये उस पीसीओ का मालिक है, इन्होंने उस औरत को देखा सर। डांडीकर को बता रहे हो औरत कैसे दिखती है, स्केच बन रहा सर। हेलो सर। हाँ डांडी। अच्छा ये बताओ कि उसके होंठ कैसे थे? होंठ बिपाशा बसु की तरह। सर हर तीसरा आदमी बिपाशा के लुक से घायल पड़ा हुआ है। सर हमें इस रेस्टोरेंट में वापस जाना चाहिए। हाँ जाना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा कि चक्कर क्या है। तो सर हो सकता है किसी ने ऐसे ही फोन कर दिया हो। और कुछ? बहुत कम थी भाई, जितना दिखाई दिया बता दिया। उसके होंठ याद आए बता दिए। फिर भी तुम्हें काफी कुछ याद रह गया। अच्छा वो लड़की काफी खूबसूरत है। अगर हम उस रेस्टोरेंट में नहीं गए और वाकई वहां खून हो गया तो? सर स्केच बन गया। गुड डांडीकर। थैंक यू सर। क्या औरत ऐसे दिखती थी? जी साहब, और जैसे इस लड़की ने अपनी बात खत्म की वहां पे अचानक एक आदमी आ गया। आदमी? वहां पे एक आदमी आया? जी। फिर? वो दूर से चिल्लाया, अपर्णा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अपर्णा? तो इसका मतलब है इस औरत का नाम अपर्णा है। उस आदमी का भी स्केच बनवा दो। वो बहुत दूर खड़ा था साहब, अंधेरे में था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी है? क्या मजाक करते हो साहब, शक्ल नहीं दिखी तो क्या हुआ, आवाज से तो पता चलता है कि वो आदमी था। ठीक है तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू दानिल। अब तो उस रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा। मुस्कान तुम्हें क्या लगता है आएगा वो? देखते हैं। फिर भी हमें ऐसे ही खाली नहीं बैठना चाहिए। मतलब? अरे कम से कम सूप तो मंगवा लेते, लगेगा हम लोग यहाँ खाना खाने बैठे हैं। वैसे थोड़ी भूख तो लगी है। फ्रेडरिक्स। सर। काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। दया। सर तुम तैयार हो ना? हाँ सर। मैं दरवाजे पर नजर लगा के बैठा हूँ, तुम टेबल नंबर 6 पर ध्यान देना, सब कुछ वहीं पर होने वाला है। ओके सर। टेबल नंबर 6 पे बैठ गया। देख रहा हूँ मैं। तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है और काफी नर्वस लग रहा है सर। जरूर उसमें हथियार होगा दया। हो सकता है यही खूनी हो। दया। सर। वो आदमी आ गया। गॉगल और मुस्टैच वाला। लगता है इसी का खून होने वाला है। इसे टेबल नंबर 6 पर जाने से रोकना चाहिए। टेबल नंबर 6 की तरफ आ रहा है। यस सर। गया, पकड़ लिया उसे। नहीं सर, वो हाथ में आने से पहले निकल गया सर। देखो लाइट कैसे गई, जल्दी। यस सर। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। जाइए नहीं, शाम को जाइए। यस सर। दरवाजा पे जाओ। देखो कोई भाग नहीं रहा है। सबका है भी सर। वो गए, जल्दी बाहर जाओ। देखो बाहर ही होंगे। कहीं उस ब्रीफकेस वाले ने उस गॉगल वाले को किडनैप तो नहीं किया? वॉचमैन तुमने अभी यहाँ से बाहर किसको जाते हुए देखा? हाँ साहब, दो आदमी गए, उनमें से एक चलकर गया। चलकर गया? कौन? जिसने गॉगल्स पहना होता वो? नहीं साहब, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था वो। किस तरफ गया? साहब ये तो पता नहीं कहाँ गया। किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। मेन स्विच ऑफ कर दिया था? वो आदमी कहाँ गया जिसने गॉगल्स पहना हुआ था? कौन? राज साहब। उनका नाम राज? हाँ, वो अभी अभी गाड़ी से गए। मैं उनकी गाड़ी पार्क कर ही रहा था कि वो चले गए, और साहब मुझे टिप्स भी नहीं दिया। तो राज को बचाना है, उसका खून होने वाला है। उसकी गाड़ी का नंबर मालूम है आपको? हाँ सर, पता है। मैनेजर
यस सर। मेन स्विच किसने ऑफ कर दिया था? पता नहीं सर, मैं तो यही पता। टेबल नंबर 6 का क्या चक्कर है? क्या जानते हो उसके बारे में? टेबल नंबर 6? हाँ टेबल नंबर 6। क्या राज क्या है? कोई राज नहीं है सर। कल जब हम उस टेबल पर बैठना चाहते थे तो तुमने हमें मना क्यों कर दिया? हा? इतना ड्रामा क्यों किया? सर सर क्योंकि वो टेबल पहले से बुक था। अच्छा, और जब हम उसी टेबल पर बैठे तो मुझे किसी लड़की ने फोन किया और मुझे कहा कि टेबल नंबर 6 पर खून होने वाला। खून? हाँ खून। टेबल नंबर 6 पे? हाँ टेबल नंबर 6 पे। क्या क्या राज है बताओ, क्या चलता है टेबल नंबर 6 पर? सर सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, उस टेबल में ऐसी कोई खास बात नहीं। आप चाहें तो रिजर्वेशन बुक देख सकते हैं सर। हर रोज वो टेबल कोई ना कोई पार्टी बुक करती रहती है, देख लीजिए सर। आज किसने टेबल बुक किया था? बताता हूँ सर मैं अभी। कोई मिस्टर कुमार सर। मिस्टर कुमार? मुस्कान रिजर्वेशन बुक ले। सर सर लेकिन हमारे बिजनेस के लिए ये बुक जरूरी है। नहीं खरीदो बिजनेस के लिए। सर उस आदमी का गाड़ी का नंबर मिल गया, MBS 04 55 64। फैंटास्टिक, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर है, वहीं से हमें एड्रेस भी मिल सकता है। यस सर। हमें इस आदमी का खून होने से रोकना है। सर यही एड्रेस है ना? जी सर, कार के नंबर से तो यही पता चला है। ये एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट? जी। अच्छा एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? या श्योर, हम मिस्टर राज से मिलना चाहते हैं। राज सर तो अब तक ऑफिस नहीं आए। अब तक ऑफिस नहीं आए? कितने बजे आते हैं ऑफिस में? वो तो बॉस है, जब चाहे आते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है सर। उनका घर का एड्रेस मिल सकता है? घर का एड्रेस? प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, आप उनके कैबिन में बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। थैंक यार सर, जरा गौर से देखो क्या दिखता है तुम्हें इस ऑफिस में। इस ऑफिस में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां सर। खूबसूरत लड़कियों के अलावा और क्या दिखता है? और तो कुछ नहीं है सर। एक आर्किटेक्ट का ऑफिस है ना? हाँ सर। तो आर्किटेक्ट के ऑफिस में क्या होना चाहिए? मॉडल्स, बिल्डिंग्स के और स्केचेस, ब्लूप्रिंट्स, ड्राइंग बोर्ड जो यहाँ नहीं है। आर्किटेक्ट के ऑफिस में ज्यादातर लोग 30 स्केल या पॉइंटर्स पर काम करते हैं, स्केचेस बनाते हैं। यहाँ तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। दया मुझे तो यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है। ये राज आर्किटेक्ट वगैरह कोई नहीं। अगर राज आर्किटेक्ट है तो मैं सुनील गावस्कर हूँ। एक्सक्यूज मी, ये रहा उनका एड्रेस। थैंक यू। वेलकम सर। ये क्या हो गया? माय गॉड, यहाँ पर हुआ क्या है? हम लोग सीआईडी से, ये कैसे हो गया, घर कैसे जाए? सर आधे घंटे पहले घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है घर में? जी हाँ सर। या कोई बॉम्ब बना रहा था क्या? पता नहीं सर, लेकिन हैंड बॉम्ब जैसे कुछ फटा है। हैंड बॉम्ब? जी हाँ। पहले रेस्टोरेंट में हंगामा और अब ये? एक मिनट, एक मिनट। माय गॉड सर, पूरा चेहरा जला हुआ है। हाँ? सर इसके दोनों हाथ ठीक ठाक है, मतलब बॉम्ब हाथ में नहीं फटा है। ले जाओ। सर अगर ये राज है तो अपर्णा सही कह रही थी, राज को कोई मारना चाहता था, बॉम्ब अंदर फेंका है। ये ब्लास्ट हुआ था, कोई और था अंदर? नहीं सर, ब्लास्ट के वक्त कोई नहीं, ये अकेला ही था घर। दया अंदर देखते कुछ मिलता ही है, चलो। फ्रेडरिक्स अच्छी तरह से देखो। सर सब कुछ जल चुका है। अच्छा सर। हाँ दया। सर यहाँ पे एक लॉकर है सर, बॉम्ब का इस पे कोई असर नहीं हुआ। एक काम करो दया, इस लॉकर को अपने ब्यूरो ले जाओ और एक मेटल कटर भी लेना। सर
ले लीजिए सर, शायद 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए? इतनी बड़ी सेफ में सिर्फ 10,000? सर एक डायरी है, देखें। इसमें तो काफी सारे नाम, प्रदीप 10,000, जय किशन 25,000, पट्टा भी 30,000, सर कुमार। इसमें एक फाइल भी है सर, इस फाइल में बच्चों के फोटोग्राफ्स हैं और हर बच्चे के सामने किसी का नाम लिखा हुआ है सर। बच्चों की फोटो के सामने इतने सारे नाम होते, हर पेज पर वही है। सर कहीं बच्चे बेचने का रैकेट तो नहीं? हाँ लगता तो ऐसे ही है, फाइल देख के पता चलता है कि बच्चे किन लोगों को दिए गए हैं और डायरी देख के पता चलता है कि उन लोगों से कितने पैसे लिए गए हैं। सर ये तो ब्लैकमेल है। एकदम ब्लैकमेल है दया, एकदम ब्लैकमेल। शायद ये राज इन लोगों को कहीं से बच्चे ला के देता था और फिर अपना मुंह बंद रखने के लिए उनसे पैसे लेता था। सर इस डायरी में जो नाम लिखे हुए हैं इन्हें देख के मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है। मुस्कान, उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने हमें जो टेबल रिजर्वेशन बुक दिया था, जरा वो दिखाओ जल्दी। देखो उसमें टेबल नंबर 6 किसके नाम से बुक किया गया? मिस्टर एंड मिसेस प्रदीप, दूसरे दिन मिस्टर जयकिशन, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस पताबी और कल मिस्टर कुमार। सर ये सारे नाम इस डायरी में लिखे हुए सर। जो जो आदमी वहां उस रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 6 पे जाके बैठता है उन सब के नाम राज ने अपनी डायरी में लिखा है। इसका मतलब है ये राज हमेशा टेबल नंबर 6 रिजर्व करता था, वहां इन लोगों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर वहीं पे उनसे पैसे लेता था। सर मेरे ख्याल से उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भी इससे मिला हुआ है, वही तो टेबल बुक करता है, उसको पकड़ना चाहिए। हाँ ये रेस्टोरेंट का मैनेजर ही सब जानता होगा। ये मैनेजर कहाँ? जी आप लोग? हम CID से हैं। सॉरी मैम, लेकिन मैनेजर साहब काम पर नहीं आए हैं। काम पे नहीं है, छुट्टी पे है? जी नहीं, काम के बीच में उन्हें कुछ और काम याद आया और वो चले गए और अभी तक लौटे नहीं है। कब से? कल रात से। दया कुछ तो गड़बड़ है, ये मैनेजर कुछ तो जानता है, बहुत कुछ जानता है, मैनेजर को ढूंढना चाहिए। ये मैनेजर रहता कहाँ है, उसका एड्रेस मिलेगा? हाँ जी सर, कांदीपली में। हमने उनके घर पे भी फोन किया था लेकिन वो घर पे नहीं है और उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा। सर हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हमारे पास एक सुराग है। कौन सा? सर मिस्टर कुमार, जिन्होंने टेबल नंबर 6 बुक किया था कल। सर उसका पूरा नाम और एड्रेस ब्लैकमेल की डायरी में है जो हमें उस सेफ में से मिली थी। ठीक है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। जी आप लोग मिस्टर एंड मिसेस कुमार को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, आप जानती हैं वो लोग कहाँ हैं? मेरा ख्याल है वो लोग घर पर नहीं है, मैंने मिसेस कुमार को घर से बाहर जाते हुए देखा है। अच्छा कब? लगभग 12 बजे। 12 बजे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर कुछ अजीब सी बू आ रही है, आपको आ रही है? हाँ कुछ जलने की बू आ रही है, लगता है घर के अंदर ही कुछ हो रहा है। फ्रेडरिक्स मुस्कान पीछे से जाके देखो। सर किचन में देखो। यस सर। माय गॉड सर, लगता है इसे मरे हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, बॉडी अभी भी गर्म है। सर ये आदमी राज को मारने वाला था, ये तो खुद भी मर गया, राज भी मर गया और ये भी मर गया, समझ में नहीं आता चक्कर क्या है। सर हाँ
ये देखिए, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। ये औरत ही इसके पीछे है। ना सर, पीसीओ वाले ने जो स्केच बनवाया जरा दिखाओ। इसकी शक्ल इस पीसीओ वाली लड़की से एकदम मिलती है सर। हाँ, यही अपर्णा है। सर, आई थिंक इस बच्चे को मिस्टर एंड मिसेस कुमार ने गोद लिया होगा। तुम एक काम करो, आसपास जाके पता करो कि फिलहाल ये बच्चा कहाँ है। सर, सर इस अपर्णा ने हमें फोन किया था अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए। उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये तो अपर्णा ही बता सकती है। तो पता चल गया, कुमार का बेटा अनीश स्कूल गया। इस बच्चे से बात करनी चाहिए, शायद ही कुछ बता दे। दया, बच्चे से बहुत नरमी से बात करनी है, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो असली बेटा नहीं है, उसे गोद लिया गया है। जी सर। अनीश ना? हाय, एसीपी अंकल। आओ बैठो, बैठो एसीपी की चेयर में। शाबाश, अब तो आप एसीपी लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा बेटा, आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ है? हाँ। कहाँ है? वो नानी के घर गई है। ओ, नानी के घर गई है? और आपकी नानी का घर कहाँ है? गोवा में। गोवा में? आपकी मम्मी गोवा गई है? हाँ, सुबह उनका पापा के साथ झगड़ा हो गया। मेरे पापा कहाँ है? बताते हैं बेटा, बताते थोड़ी देर में था। अच्छा पहले ये बताओ कि आपकी मम्मी गोवा गई कैसे? वो मुझे स्कूल ड्रॉप करके बस से चली गई। कितने बजे गई वो? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? अच्छा, आपको पता है आपकी नानी का घर कहाँ है गोवा में? पता है? नहीं, चलो कोई बात। अच्छा, नानी के घर में टेलीफोन है? हाँ, इसमें आपको नानी का टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। गुड बॉय। मेरे पापा कहाँ है? वो वापस आ जाएंगे शाम तक, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कौन से काम के लिए? काम सर। हाँ, सर अपर्णा की माँ का कहना है कि वो 9:30 बजे तक गोवा पहुंच जाएगी। उसने रास्ते में से फोन किया था। अनीश, आप चॉकलेट खाओगे? हाँ। मुस्कान, अनीश को ले जाओ और उसे बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाओ। बाय बाय बाय। दया, अपर्णा की पड़ोसन कह रही थी कि उसने अपर्णा को दोपहर के 12 बजे घर छोड़ते हुए देखा, और अपर्णा का बेटा कह रहा है कि उसकी मम्मी 7 बजे बस में बैठी, और अपर्णा की मम्मी कह रही है कि वो 9:30 बजे पहुंचने वाली है गोवा। सर, अगर अपर्णा 12 बजे यहां से निकली है तो 9:30 बजे गोवा पहुंच ही नहीं सकती सर, किसी भी हाल में पहुंच नहीं सकती। मतलब बेटा सही कह रहा है? जी सर, उस पड़ोसन को कुछ गलतफहमी हुई। एसीपी प्रद्युमन, यह अपर्णा की गाड़ी मिल गई? कहां पे? ओके, अपर्णा की गाड़ी मिल गई, फ्लाइंग क्लब के बाहर। ओ, ये अपर्णा गोवा फ्लाई करके जा रही थी क्या? तो फिर बस में कौन बैठा? ये गाड़ी यहां पर कितने बजे आई? करीब 1 बजे। गाड़ी चला कौन रहा था? एक मैडम थी। मैडम? दिखने में कैसी थी वो? बूढ़ी थी, जवान थी? मैम, उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था और आंखों पे बड़ा सा चश्मा भी पहना हुआ था, और हाँ, उनकी लंबी सी बिंदी भी थी। फिर क्या हुआ? वो इस गाड़ी से उतरी और फिर? यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, वो उससे मिली और दोनों क्लब के अंदर चले गए। ये आदमी दिखने में कैसा था? उसको दाढ़ी मूछ थी। दाढ़ी मूछ? ठीक है, थैंक्स, अब जा सकते हैं। फिर सर,
इस फ्लाइंग जॉब में क्यों आई? क्यों फ्लाइंग सीखनी होगी? मुस्कान, ये भी तो हो सकता है उसने यहाँ से प्लेन लिया हो किराए पे। चलो इस फ्लाइंग क्लब के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि उसने यहाँ किया क्या। सर, फ्लाइंग क्लब से पता चला कि मिसेस कुमार करीब 2 बजे एक प्राइवेट प्लेन में बैठी और फिर यहाँ से चिपलून तक गई। चिपलून? जी सर, उनकी कोई जान पहचान थी फ्लाइंग क्लब में। लेकिन चिपलून में कोई एयर स्ट्रिप है क्या? प्लेन उतरेगा कहाँ? चिपलून गोवा। बस से चिपलून गोवा से 4 घंटे की दूरी पर है। जी सर। से मिसेज अपर्णा कुमार काफी होशियार निकली। होशियार ने होशियार के पाप निकली है वो। सबसे उसने कहा कि वो 7:30 बजे की बस से गोवा जा रही है, मगर बस में बैठी नहीं। सर, शायद अपर्णा ने अपने बेटे अनीश को सुबह 7 बजे स्कूल में छोड़ा और उसके बाद वो घर वापस गई, अपने हस्बैंड को मारा, फिर वहां से फ्लाइंग क्लब की तरफ भागी, एक प्राइवेट प्लेन में बैठी और चिपलून पहुंची। और चिपलून पहुंचते ही वो उस बस में बैठी जो यहां से 7:30 बजे निकली थी। फिर से वही बात रिपीट हो रही है दया। पहले कुमार ने राज को मारा और फिर अपर्णा ने अपने हस्बैंड कुमार को मारा। पर सर, वो ऐसा करेगी क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अपर्णा का राज के साथ कोई अफेयर चल रहा हो। तुम लोग एक काम करो, जल्दी से गोवा जाने की तैयारी करो। जो भी फ्लाइट मिले गोवा चले जाना, 1 घंटे के अंदर तुम लोग गोवा पहुंच जाओ। अपर्णा गोवा पहुंचने से पहले ही तुम लोग गोवा पहुंचने चाहिए। जैसे ही अपर्णा बस से उतरेगी तुम लोग पकड़ लेना उसे। बस उतर भाई, क्यों नहीं? सर, 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 सर। क्या हुआ फ्रेडरिक्स, भागते क्यों आ रहे हो? कोई पीछे पड़ा क्या तुम्हारे? अरे नहीं सर, वो देखो बेला ट्रेवल्स की बस आ रही है। हम लोग सीआईडी से। एक्सक्यूज मी, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, हम लोग सीआईडी से। अपने अपनी जगह पे बैठिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए। मुस्कान, सब कुछ चेक करो। मिसेस कुमार जी, कहिए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं सीआईडी से हूँ। आप बस से उतरेंगी प्लीज? क्यों, मैंने क्या किया? आप उतरे तो सही, लेकिन बात क्या है? कुछ तो आप उतरेंगी प्लीज। मिसेस कुमार, बात क्या है? मिसेस कुमार, हमें आपसे कुछ बातें पूछनी है। आप इस बस में कहाँ से बैठे? बोरीवली से। बोरीवली में बस में बैठने से लेके यहाँ पहुँचने तक आप रास्ते में कहीं उतरी नहीं थी? हा? पनवेल में उतरी थी, बाथरूम जाना था इसलिए। और खाना? देखिए, मुझे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। मैं अपना डब्बा साथ लेकर आई हूँ। वैसे प्रॉब्लम क्या है? इस बस में इतने सारे लोग हैं, 50 बार उतरे चढ़े होंगे, आप उनसे कुछ नहीं पूछ रहे और मेरे पीछे पड़ गए क्यों? मिसेस कुमार, आपके हस्बैंड का खून हो गया। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और ये खून आपने किया है। हाँ दांडेकर, स्केच रेडी हुआ? नहीं सर, नहीं बना। दांडेकर, सिंपल है, ये सोचो कि इस आदमी का चेहरा जलने से पहले कैसे होगा और उस हिसाब से स्केच बनाओ। सर, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, ये चेहरा इतना जला हुआ है। दांडेकर, आज तक तुमने इतना अच्छा काम किया है तो ये क्यों नहीं होगा? हाँ जरूर होगा, करके देखो। चलो सर, स्केच बन गया। अरे ये राज नहीं है, ये तो मैनेजर है। अगर ये राज नहीं है तो इसका मतलब है राज मरा नहीं है।
बल्कि मैनेजर को मारकर खुद गायब हो गया है। क्या? ओ, ओके सर, या अब आप कुछ बोलेंगी? आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने आपसे कहा ना, इस बस में मैं सुबह 7:30 बजे बोरिवली से चढ़ी थी। नहीं मिसेस कुमार, हमें पता चला आप घर से 12 बजे निकली थी, फिर वहां से रेनबो फ्लाइंग क्लब पहुंची, वहां एक छोटे से प्लेन में बैठ के आप चिपलुन पहुंची, और फिर चिपलुन से आप इस बस में बैठी। ये रेनबो फ्लाइंग क्लब चिपलुन, ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, सर एक लड़की है बस में, जिन्होंने इस मैडम को चिपलुन से बस में चढ़ते हुए देखा है। चलो मिलते हैं। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज कोऑपरेट, थोड़ी देर की बात। कौन है? सर यही है। आपने उस औरत को इस बस में आते हुए देखा? जी हाँ सर, उसने उसने बड़े से गॉगल्स पहन रखे थे और सर पर स्कार्फ भी बांधा हुआ था। सर पे स्कार्फ? जी हाँ सर। मैम उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था और आंखों पे बड़ा सा चश्मा भी पहना हुआ था। उसका इस बस की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो वो गॉगल्स और स्कार्फ जो इन्होंने पहना हुआ था कहाँ छुपा के रखा। ये स्कार्फ सीट के साइड में छुपाया हुआ था और ये गॉगल्स। अब क्या कहना मिसेस कुमार? हाँ? आपके पति के खून के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अपर्णा जी, हमें पता है कि वो फोन कॉल आप ही ने किया था हमें, और हमें यह भी पता है कि अनीश आपका असली बेटा नहीं है। कुछ नहीं पता है आपको, सच तो ये कि राज ने हमें हमारा अनीश लाकर दिया था, और जब वो हमारे घर में पलने लगा तो अचानक एक दिन राज ने हमसे पैसे मांगे और कहने लगा कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सबको बता देगा कि हम अनीश को उठा कर लाए। अगर ये बात थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? और फिर क्या होता? हाँ, मेरे अनीश को मुझसे छीन लेते, है ना? पर क्या? आठ साल तक अपने बच्चे को बड़ा करने के बाद अगर कोई आपसे आपका बच्चा छीन ले तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन आपको क्या पता? आपने कभी अपना बेटा नहीं खोया है ना? मैंने अपना 25 साल का बेटा खोया है, 25 साल का बेटा, मेरा अपना बेटा, अपने ही हाथों से खोया है मैंने उसे। राज हमें ब्लैकमेल करता गया और हम उसे पैसे देते रहे। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो वो हमारे अनीश को हमसे छीन लेती। और फिर उस रात जब मैंने आपको रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए देखा तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं फौरन पीसी हो गई और मैंने आपको फोन किया ताकि आप रंगे हाथों राज को पकड़ सके, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया और वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए हमारा झगड़ा हुआ और मैं शहर छोड़कर जाना चाहती थी। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही थी और मैं
पूरा वक्त बस में ही थी। मुझे नहीं पता कि वो स्कार्फ वहां पर कैसे पहुंचा। सर, ये मिसेस कुमार तो अपना कोई भी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और सर, वैसे हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सबूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमारे पास आई विटनेस तो है। मिसेस कुमार की पड़ोसन, वो फ्लाइंग क्लब का वॉचमैन और वो बस वाली औरत जिसने मिसेस कुमार को चिपलून में बस में चढ़ते हुए देखा। और सर, मिसेस कुमार तो कह रही है वो मुंबई से गोवा तक बस में ही बैठी हुई थी। उन चारों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सर, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। पता चलेगा मुस्कान, पता चलेगा। जाओ जाके देखो फ्रेडरिक्स आया। दया खूनी यहां खुद आके कहेगा कि खून मैंने ही किया है। आइए 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 आइए। सर, आपने मुझे यहां पर बुलवाया? जी हाँ, आइए अंदर आइए। देखिए, हम चाहते हैं कि आप उस औरत को पहचाने जिसे आपने चिपलून में बस में चढ़ते हुए देखा था। प्लीज देखिए। पर सर, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, वो तो हम जानती हैं, लेकिन देखिए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। बस सिर्फ एक बार उसे देख लीजिए, फिर हम आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। जी बैठिए। अरे वाह, आइए आइए। अरे आप कहाँ जानी है, रुकिए ना। मुस्कान, मिसेस कुमार को अंदर भेजो। देखिए, हमने उस औरत को यहाँ बुलवाया है जिसे आप लोगों ने देखा। हम चाहते हैं कि आप उसे अच्छी तरह से देखकर पहचाने। ये लो, याद सुनिए, अपना चेहरा ऊपर उठाइए, चेहरा छुपाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए इधर, देखिए, क्या ये वही औरत है जिसे आपने गाड़ी में देखा और आपने फ्लाइंग क्लब के गेट के बाहर और आपने चिपलून में बस में चढ़ते हुए देखा? जी जी हाँ सर, ये मिसेस कुमारी हैं। मैं इन्हें पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ? ये तो मेरी पड़ोसन है। और आप वॉचमैन साहब? जी सर, वही मैडम है। और आप मैम, आपका क्या कहना? जी हाँ सर, ये वही औरत है जिसे मैंने चिपलून में बस में चढ़ते देखा था। अच्छी तरह से गौर से देखिए। जी सर, वही है। वेरी, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं। फ्रेडरिक्स, जरा इन्हें बाहर छोड़ दो। और सुनिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। मिसेस कुमार, सब लोगों ने आपको पहचान लिया है। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने ये खून कैसे किया। यस सर। देखा सर, मैंने कहा था कि मुंबई से गोवा तक मैं बस में ही थी। कोई कैसे कह सकता है कि मैं चिपलून से चली? वो तो कोई और ही है जो स्कार्फ और ग्लेयर्स पहनकर मिसेस कुमार बनने का नाटक कर रहा था। वो तो कोई और ही है। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। राज कहाँ है? कहाँ है राज? तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, मेरे पति को मार डाला और इल्जाम मुझ पर लगाया। आज मैं वाकई यहाँ पर एक खून करने आई हूँ। मैं अपने पति की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं अपने आप को मारकर
ये इल्जाम तुम लोगों पर लगा दूंगी। अपर्णा स्टॉप इट। मेरी मौत का इल्जाम तुम लोगों पर लगेगा। प्लीज डोंट डू इट। क्या कर दिया इसने? मिया और तो पागल निकले। अरे इस लाश का क्या करेंगे? किसी कोने में छुपा देते हैं इसे। चलो 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 चलो। ए! क्या हो रहा है ना? सर, हमने कुछ नहीं किया सर। लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में हो और कह रहे हो कुछ नहीं किया? सर, पर इसे हमने नहीं मारा। झूठ मत बोलो, पिस्टल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मेरी बात मानिए, ये पिस्टल हमारी नहीं है, ये पिस्टल इनकी है। अरेस्ट करो इन दोनों को। करो अरेस्ट। सर प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए, हमने इसे नहीं मारा सर। एक एक नहीं, तीन तीन खून किए तुम लोगों ने। सर हमने तीन नहीं, दो की। ठीक कह रहे तुम लोग, तुम लोगों ने दो खून किए हैं। मिसेस कुमार अभी भी जिंदा है। तुम वही औरत हो ना जिसे मिसेस कुमार के पड़ोसन और फ्लाइंग क्लब के वॉचमैन ने देखा था। क्यों? और तुम कहीं कहीं से बच्चे लाकर उन्हें बेचते हो और फिर उनके मां बाप को ब्लैकमेल करते हो। बहुत बुरी हालत होगी तुम दोनों की। जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे तुम। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.